जनपद में स्वात टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 ट्रकों को पकड़ा है। स्वात टीम ने 32 ट्रकों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ट्रांसपोर्ट में व्यवसाय करने के लिए विभिन्न जगह से लूटे हुए ट्रकों के नंबर बदलकर सरकारी विभाग के ठेकों में काम करते थे। स्वात टीम ने कवीनगर से एक ट्रक को पकड़ा है, जिसकी निशानदेही पर 3 अभियुक्तों के पास से 32 ट्रक बरामद किए और बाकी गैंग के सदस्यों को पकड़ने की तलाश में पुलिस लगी हुई है। पकड़े गए 3 अभियुक्त ट्रांसपोर्टर हैं। नागालैंड हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग में संलिप्तता कर चोरी व लूट के ट्रकों से असली कागजात बनाकर सरकारी विभाग के ठेकों में काम किया करते थे। परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए दस्तावेज के कारण ट्रक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते थे। एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वाट टीम नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग से पूछताछ करने के लिए जाएगी। आरोपी ने पूछताछ में परिवहन विभाग से जुड़े कई लोगों के नाम लिए जो दस्तावेज बनवाने में मदद करते थे। साथ ही गैंग के अन्य सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वाट टीम द्वारा पकड़ा गया गैंग सरकारी विभाग पर कई सवाल खड़े करता है, जो निजी लालच के कारण किसी भी काम को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। स्वाट टीम कई अन्य पहलू पर भी जांच कर रही है और आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मैम, गाजियाबाद स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, इसके अंतर्गत 32 ट्रक बरामद किए हैं और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है और किस तरीके से पुलिस को ये लीड की? स्वाट टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि कवीनगर क्षेत्र में एक ट्रक है जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके ऑपरेट हो रहा है। उस पर हमारी स्वाट टीम ने ऑटो थेफ्ट टीम एंटी ऑटो थेफ्ट सेल के साथ काम किया। उसमें उन्होंने जो प्रथम दृष्टया हमने जितनी भी जानकारी की उससे हमको पता लगा कि इस ट्रक के जो दस्तावेज हैं वो सही नहीं है, फर्जी है। फिर उसी जांच के क्रम में हमने पंजाब और नागालैंड स्पेसिफिकली इन दो नंबरों के जहाँ के ट्रक्स थे उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करके उनकी जांच जानकारी करना शुरू किया। इसी क्रम में हमने 32 ट्रक ऐसे बरामद किए पंजाब और नागालैंड के नंबर के, जिनके की कूटरथित दस्तावेज हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस तरीके से ऑपरेट करता है। ये लोग ज़्यादातर सरकारी माल उठाते थे, इसलिए आज तक कभी भी आरटीओ और पुलिस की चेकिंग के द्वारा पकड़े नहीं गए। जैसा आपने बताया मैम कि पंजाब और नागालैंड ये सिर्फ दो ही जगह के आरटीओ नाम आए हैं, तो ऐसे में लगता नहीं कि उनकी भी संलिप्तता इसमें है? हाँ, उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा प्रॉपर एक लेटर भेजा जाएगा और हमारी टीम वहाँ जाके उनसे पूछताछ करके उनका प्रॉपर मतलब उनका किस तरीके से ऐसा हुआ कि यहाँ पर फर्जी दस्तावेज तैयार हो गए इस बात की जानकारी भी दी जाएगी। जो 32 ट्रक बरामद हुए हैं उनमें से कितने ट्रक्स को करेक्ट कर लिया गया? इसका काम थोड़ा भी मुश्किल है क्योंकि FSL की टीम जब तक हमको ओरिजिनल नंबर नहीं दे पाएगी, ओरिजिनल इंजन नंबर और चेसिस नंबर, कुछ ट्रक्स ऐसे होंगे जिनके 2 या 3 बार नंबर चेंज कर दिए गए, तो जब तक फाइनल चेसिस नंबर इंजन नंबर नहीं आ जाएगा तब तक हम। ये नेक्सस मैम कितना बड़ा है, इस गैंग में कितने और मेंबर शामिल हो सकते हैं और कितने और ट्रक इस तरह से अभी सड़कों पर चल रहे हैं अवैध रूप से? अभी हमने 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी करी है, इसके अलावा नाम जो आए हैं वो 9 अभियुक्तों के आए हैं। इसके अलावा ये गैंग बहुत बड़ा होगा जिसमें कि कुछ आरटीओ के ऑफिस के लोग भी शामिल होंगे, इस पंजाब और नागालैंड, उसके अलावा और भी जाने जितने सारे राज्य होंगे जहाँ पर कि ऐसे ट्रक्स मिलते हैं वहाँ तो उनकी भी संलिप्तता। अभियुक्तों से पूछताछ में हम पता क्या चला है कहाँ से इन ट्रकों को ये लूटते थे, मैक्सिमम टारगेट कहाँ का रहता था इन लोगों का, किस जगह से ये लूट की घटना बन जाती है? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक इनका कोई टारगेट नहीं था, इनको जब मिल जाते थे यही तो पूरा गैंग जो आगे जो आज वांछित है हमारे उनसे पूछताछ में पता पड़ेगा कि ये लोग किस चीज़ को टारगेट बनाते हैं। इनकी डिमांड भी रहती होंगी मैम पर्टिकुलर ट्रक लूटने की, आगे चलाना इनको आगे पूरा प्रोसेस करना है ये जब आगे इसमें, जैसे ज्यादातर ट्रक्स हमको अशोक टाटा कंपनी और अशोक के मिले हैं, तो उसी हिसाब से हो सकता है इनकी डिमांड्स भी हो, इस बात का खुलासा भी और जब अभी पकड़े जाएंगे उसमें। कितने की कीमत है जो 32 ट्रक बरामद किए? एक ट्रक की कीमत, ये सेकंड हैंड ट्रक टाइप से हैं तो इनकी एक ट्रक की कीमत होगी करीबन 22 से 25 करोड़। दो अभियुक्त 12वीं पास है इनमें से, एक अभियुक्त 10वीं पास है, वो पहले एक ड्राइवर था अमित नाम दे, वो पहले ड्राइवरी का काम किया करता था, उसने अपने ट्रक चलाना स्टार्ट किया, बाद में उसको वो ट्रक का मालिक बन गया, इसी टाइप के ट्रक के कामों में लिप्त। अभी जो 3 अभियुक्त पकड़े हैं इनके पास खुद कितने ट्रक चल रहे हैं इनकी अपनी? ये जो ट्रक हमने इनसे बरामद किए, नामदेव के 4 ट्रक चल रहे थे, परमिंदर के पास से 15-20 ट्रक, शायद 12 या 13 ट्रक बरामद हुए थे। उसके अलावा ये जो अभियुक्त चले मतलब जो फरार हैं उनसे भी हमको उन्हीं के ट्रक्स हैं, तो उनसे मिला के हमने 32 ट्रक बरामद किए जो कि इस एरिया से हम बरामद कर पाए। बाकी इनके ट्रक्स और कि कहाँ कहाँ इनके चल रहे हैं सबकी जानकारी भी की। मैम, मुरादाबाद में 1 करोड़ का ठेका इन्होंने नामदेव ने ले रखा है, उसको लेकर क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपने
रेलवे डिपार्टमेंट है उसको भेजे, वो भी पूरी इनसे पूछताछ करके इनसे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके फिर ये सेफली ड्राइव करता रहे उसको लेकर उसकी कार्रवाई। अभी आपने बताया था सेफली ये ड्राइव करते रहे पकड़े ना जाए, उसको लेकर क्या कुछ ये करते थे बेसिकली सरकारी टाइम आपने बताया इस तरह के मामले में इसके बारे में जानकारी। मेनली उसके लिए इनके कागज परफेक्ट होने चाहिए, वो कागज इनके परफेक्ट होते थे। आप इनसे कागज लेंगे, कागज में इनका नाम होगा जो भी इनका जैसे ट्रांसपोर्टर है वो चला रहा है ऑपरेटर जो उसका नाम इसमें ठीक होगा। आप गाड़ी को चेक करेंगे इंजन नंबर चेंजेस नंबर उस पर प्रॉपर ठीक होंगे, उसका रजिस्ट्रेशन भी उधर हुआ होगा आप अगर उसको ऑनलाइन चेक करेंगे। तो ये सारा जो कागजी काम है इनने परफेक्ट तरीके से ज्यादा ठीक है गवर्नमेंट के लिए करते थे क्योंकि इनको भी पता था उसको चेक करना मुश्किल होगा। हम जानना चाहते हैं ये जो अभियुक्त हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।